आप बंजारा मार्केट वाले हॉल में देख चुके हो। यहाँ पे मैंने जो बेसिकली किया है वो ये किया है कि मेरा यहीं पे मैट्रेस आएगा। मुझे जो होता है ना पिंटरेस्ट वाली वाइब, वैसे नीचे ही मैट्रेस वाली फीलिंग, तो मुझे वो बहुत पसंद थी। इसलिए कुछ चीजें अमेजोन से मंगवाई है, कुछ बंजारा मार्केट से आई है, या हॉल में देख सकते हो। अभी तक मेरा रूम तो ऑलमोस्ट सेट है, तो ये था मेरा रूम। अब चलते नेक्स्ट पे। बट अभी क्या है कि मैं ये सब सेटिंग को चेंज कर सकती हूँ, बिकॉज इस रैक को मैं सोच रही हूँ यहाँ ले आऊँ एंड इसे मैं इधर कर दूँ और वो वहीं रहेगा और मैट्रेस इधर को आ जाए। बट लेट सी नेक्स्ट मंथ में क्या करूंगी। अभी तक ये रूम मेरा ऐसे ही बंद रहेगा। उनसे यहाँ निकलते ही साथ में है वॉशरूम, और वॉशरूम में अभी लाइट नहीं है, ये कुछ ऐसे है इधर को। ओके, मैट यहाँ मम्मी ने सेट कर दिया। ये चीजें अभी सब सेट होना है, इसलिए मे बी वहां पे भी कर्टन आने। या सो ये है वॉशरूम। वॉशरूम का क्या ही दिखाऊं मैं। मेरे रूम के साथ इधर दो रूम है, ये मॉम डैड का रूम है और एक रूम यहाँ पे भी आता है। इस रूम तो यहाँ के लिए बेड ऑर्डर कर रखा है इधर के लिए और मॉम डैड के रूम के लिए, बट हमारे में नो कि हमें नहीं पसंद। एंड यहाँ पे वॉशरूम दे रखी है फॉर आई डोंट नो, ये अभी चेंज करना है, डैड को पर्सनली इतनी नहीं पसंद। तो ये रूम बहुत क्यूट रूम है बट अभी इसे सेट करने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पे वॉशरूम है जो कि बहुत ही क्यूट है, बट यहाँ पे भी अभी लाइट वगैरह नहीं सेट। मम्मी जी आप आगे आए थोड़ा और वॉशरूम दिखाएं हमारी जनता को, क्योंकि बहुत क्यूट है बट प्रॉपर यहाँ पे भी लाइट वगैरह सेट होगी एंड प्रॉपर इधर सब कुछ सेट होगा। सब कुछ सेट होगा, क्या दिखाऊंगी फिर जब सेट हो जाएगा तब तो दिखाऊंगी ना। से एग्जिट करते ही यहाँ पे किचन आ जाएगी। किचन के भी अभी प्लान्स हैं कि किचन दोबारा तोड़ के बनेगी या नहीं बनेगी, अभी प्लान्स में चल रहा है। बट ये ऐसे एल शेप किचन है जो कि ओपन किचन है और हमें ओपन किचन बहुत पसंद है। साथ में इधर कैबिनेट्स आ जाएंगे। और अभी सब कुछ मेस है क्योंकि ये अभी सेट होगा, जब मैं आऊंगी तब तक तो सब सेट हो चुका होगा, इसलिए मैंने कहा दिखा दूँ। इसके यहाँ विंडोज आ जाएंगी एंड इसके ही सामने थोड़ा वो क्रॉकरी सेट करने के लिए आ जाएगा। सो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, दो बंदों के लिए तो बहुत स्पेस है। एंड देन यहाँ आ जाएगा मॉम डैड का रूम। ये यहाँ पे मे बी एक प्रॉपर अलमीरा बनेगी, सो अभी उसका भी प्लान चल रहा है। यहाँ पे एक मैट है, अभी तक यही है। देन ये और एक एक विंडो हर रूम में है। एग्जिट करते ही ये प्रॉपर हॉल है जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मम्मी बेचारी हमारे हर बार शर्मा के भाग जाती है। सो एनीवेज यहाँ पे आएगा मे बी एल शेप सोफा आएगा और मे बी थ्री सीटर आएगा, वो भी प्लान चल रहा है। वो डैड अपने आप देखेंगे, वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं, हमारा डिपार्टमेंट ये सब का था, हम ये सब करके। यहाँ पे अभी टीवी आएगा, ये सब क्या है, कहाँ से मिला है, कितना सस्ता मिला है, वो बंजारा मार्केट वाले हॉल में मैंने सब कुछ बता रखा है। ओके, सो ये प्रॉपर हो गई, ऐसे हॉल हो गया। एंड देन इधर आते हैं तो देखते हैं हम। तो ये यहाँ का व्यू हो गया, व्यू अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है सब कुछ खराब हो रखा है। बट एनीवेज ये है बालकनी, और बालकनी तो प्रॉपर ही मेस है क्योंकि जो भी आता है सब कुछ यहाँ फेंका जाता है, बाद में यहाँ से पता नहीं कहाँ फेंका जाएगा। बट यहाँ पे वहाँ एक वार्डरोब आएगी फॉर ऑल दैट झाड़ू पोछा एंड स्टोरेज के लिए। और यहाँ पे दो सिटिंग पापा ने अरेंज किए यहाँ पे सिट, क्योंकि मेरी मम्मी को बारिश देखना बहुत पसंद है, तो जब बारिश आएगी तो इन्हें यहाँ बैठना बहुत पसंद है। तो चक्कर में ये सब, बट ये अभी सब कुछ साफ। फ्लैट सेट ये था एम्प्टी हाउस। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो कैसे कैसे क्या क्या है। और ये वाला फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पे है, तो बस आई होप कि मैं जल्दी आऊँ और जल्दी मैं दोबारा देखूँ कि यहाँ क्या क्या सेटिंग होगी। क्योंकि अभी सारा सामान उस फ्लैट से, जो एक दो चीज़ें आई गेस टीवी और सिर्फ फ्रिज, नहीं नॉट फ्रिज, वॉशिंग मशीन आएगी और बाकी न्यू बेड जाने हैं। लेट्स सी कैसा बाकी ओवरऑल लुक आता है, बट अभी तक मुझे बहुत खुशी है। और या अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप अब मैं बैक ऑन ट्रैक हूँ एंड प्रॉपर ब्लॉग देने से पहले आ रहे थे, बट किसी कारण मैं बिजी थी, बहुत ज़्यादा शॉपिंग पेंडिंग थी, बहुत कुछ पेंडिंग था। एंड आई एम सो सॉरी, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। बट अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलता नहीं, वैसे के लिए लव यू, बाय बाय।